अब हम देखते हैं अगला, न्यूलैंडस। न्यू लैंडस न्यूलैंडस का अष्टम, न्यूलैंडस का अष्टम सिद्धांत। न्यूलैंडस का अष्टम सिद्धांत, यह सिद्धांत 1866 ईस्वी में प्रतिपादित किया गया, जिन्हें वैज्ञानिक न्यूलैंडस का अष्टम सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इन्होंने अपने इस नियम का प्रतिपादन संगीत गायन में संगीत सुर के नाम से निखंडित किया, जिसमें इनके तत्व जो है 1866 ईस्वी में, और इसमें तत्व कितने हैं, 56 तत्व हैं, और इन तत्वों को सुर के नाम से संगीत सुर में रखा। अब संगीत सुर में देखा गया सा एक स्टेप, रे दो स्टेप, गा तीसरा स्टेप, गा के बाद मा अगला स्टेप, या इसके बाद धानी धानी। इन सुर संगीत सुर के नामों से इन तत्वों का न्यूलैंडस का अष्टम सिद्धांत के नाम से विख्यात जो है, इन सुर संगीत स्वर के नाम से निर्धारित किया, जिसमें आपके तत्व आए यच। यफ हाइड्रोजन फ्लोरीन क्लोरीन कोबाल्ट निकिल बेरियम प्रोन, ये तत्व रहे। रे में लिथियम एलआई, आपका एलआई, एन ए सोडियम पोटेशियम कॉपर, कॉपर के बाद और इसीलिया। ग में बी ई मैग्नीशियम एम जी सी ए कैल्शियम एल एन, फिर एस, इसके बाद म में इन्होंने लिया बी एल एल्युमिनियम सी आर क्लोरियम, वाई लिया और सी एल ए, ये तत्वों को इन्होंने नामांकित किया। अब आता या में सी या सी सिलिकॉन टेडियम टी आई आई एन जेडा, इन तत्वों का नामांकन किया।
धो में नाइट्रोजन, पोटेशियम, एमआई, एएस, अर्सेनिया। इसके बाद नाम इन्होंने क्या लिया? सारे गामा या धानी, सारे गामा या धानी। इन तत्वों के नाम से न्यू लैंडेस का अष्टम सिद्धांत संगीत सुर में इन्होंने नामांकन किया, जिसमें नी ओ एस एफ ई और लास्ट में एस ई। इस तरह से इन तत्वों का इन्होंने नामांकन किया, जो न्यू लैंडेस का अष्टम सिद्धांत के नामों से विख्यात हुआ। इस तरह से तत्वों का आवर्त सारणी दूसरे नियम का भी सत्यापन होता है।